उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगातार अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन एक्टिव मूड में है। जहां जहां से अवैध निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, वहां प्रशासन द्वारा एक टीम बनाकर निरीक्षण कराया जा रहा है। अगर निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण पाया गया या देखा जा रहा है तो उसे चिन्हित कर उस पर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। इसी को लेकर मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र के मियां कॉलोनी मैनाठेर के पास अवैध कब्जा करने वाले लोगों के मकान को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों पर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। मियां कॉलोनी में मैनाठेर क्षेत्र में आज सदर तहसील एवं नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने निरीक्षण किया है और क्षेत्र में जो अवैध निर्माण किया गया है उसे चिन्हित कर नोटिस दिया गया है एवं अवैध निर्माण को हटाने की बात कही गई है। अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही करने की बात कही गई है। इसमें SDM साहब ने एक टीम बनाई थी जी, इसमें ये एक प्रार्थना पत्र आया था IGRS का जी। इसके संबंध में आज ये पैमाइश के लिए एक टीम बनाई गई, इसमें सब लोग मौजूद हैं। जहाँ भी नंबर पड़ेगा वहीं निशान लगाया जाएगा। क्या कुछ मकान चिन्हित किए गए हैं नगर निगम की तरफ से? नहीं, नगर निगम के लोग साथ में हैं, जहाँ भी निशान आएगा वहाँ लगाया जाएगा, जो भी सही जगह। तो जिन लोगों ने अवैध बना रखे हैं क्या अपील करेंगे उन लोगों से? नहीं, उन लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर उसमें बीच में आता है कोई मकान तो उसको हटाना पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा प्रदीप कुमार गोयल है।